नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं धान्या महादशा का फलादेश कैसे किया जाता है। धान्या महादशा के अंदर आने वाली अंतरदशाओं का फलादेश कैसे किया जाता है, उसके पहले हम लोग जानेंगे योगिनी महादशाओं के नाम क्या है, कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है, कौन सी दशा का स्वामी ग्रह कौन है। ये सारी बातों को सबसे पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि धान्या महादशा का फलादेश कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। योगिनी महादशा के टोटल 8 अलग अलग नाम हैं, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। ये 8 अलग अलग योगिनी दशा के नाम हैं। अभी हम लोग जानेंगे कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है। तो मंगला दशा 1 वर्ष के लिए आती है, पिंगला 2 वर्ष के लिए आती है, धान्या 3 वर्ष के लिए आती है, भ्रामरी 4 वर्ष के लिए आती है, भद्रिका 5 वर्ष के लिए, उल्का 6 वर्ष के लिए, सिद्धा 7 वर्ष के लिए और संकटा 8 वर्ष के लिए आती है। अभी हम लोग जानेंगे कौन सी दशा का स्वामी ग्रह कौन है। तो सुनिए, मंगला दशा का स्वामी ग्रह चंद्र है, पिंगला दशा का स्वामी ग्रह सूर्य है, धान्या दशा का स्वामी ग्रह गुरु है, भ्रामरी दशा का स्वामी ग्रह मंगल है, भद्रिका दशा का स्वामी ग्रह बुध है, उल्का दशा का स्वामी शनि, सिद्धा का शुक्र और संकटा का राहु केतु स्वामी ग्रह है। अभी हम लोग जानेंगे कि धान्या महादशा का फलादेश कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि धान्या महादशा का स्वामी ग्रह कौन है, गुरु है। तो हमें सबसे पहले गुरु के कारक तत्व को जानना होगा। गुरु ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सद्गुरु, पूजा पाठ, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, स्त्री की कुंडली में गुरु यानी कि उसका पति और संतान योग का कारक ग्रह भी गुरु होता है। गुरु आत्मिक सुख देने वाला ग्रह है। अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होता हो, या फिर गुरु केंद्र भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, तो धान्या महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। जब भी व्यक्ति के जीवन में धान्या महादशा आती है, तो अगर ऐसा व्यक्ति कुंवारा हो तो उसकी सगाई हो जाती है या फिर उसकी शादी हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को संतान ना हो तो संतान का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर विद्या प्राप्त करना चाहता हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, तो निश्चित उसे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति गुण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र, तो ऐसे गुण शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति को कोई विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात होती है और उसके मार्गदर्शन से जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि का मार्ग पता चलता है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में धान्या महादशा चल रही है, लेकिन कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में नहीं है। जैसे कि मान लो गुरु नीच राशि में निर्बल है, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित है, राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बना रहा है, या फिर ये गुरु कुंडली के अंदर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित हो रहा है, तो फिर धान्या महादशा शुभ होने के बावजूद अच्छा फल प्राप्त न होगा। क्यों? क्योंकि गुरु निर्बल है। तो क्या प्रॉब्लम होगा? विवाह में विघ्न होगा, संतान सुख में विघ्न होगा, मान सम्मान में रुकावटें आएगी, व्यक्ति को शरीर के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, उसके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसे जॉन्डिस, टाइफोइड जैसी बीमारियां हो सकती है, लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति विद्या और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो भी उसमें बहुत सारी रुकावटें और अड़चनें आती है।
अभी हम लोग जानेंगे कि धान्या महादशा के अंदर सबसे पहली अंतरदशा कौन सी आती है, तो धान्या की आती है। तो निश्चित वही नियम लागू पड़ेगा कि अगर धान्या महादशा में धान्या की ही अंतरदशा आती है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें गुरु को देखना होगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा है तो निश्चित तौर पे सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। और अगर धान्या महादशा के अंदर जब भी धान्या की अंतरदशा आती है और गुरु कुंडली के अंदर निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसका फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना हम उम्मीद करते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि धान्या महादशा के अंदर ब्राह्मरी अंतरदशा का फल कैसा मिलेगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान्या महादशा के अंदर जो ब्राह्मरी अंतरदशा आती है उसका स्वामी ग्रह कौन है, मंगल है। तो सबसे पहले हमें मंगल की स्थिति को टटोलना होगा। फिर हम लोग जानेंगे कि जो ब्राह्मरी अंतरदशा है वो कितने दिन के लिए आती है, तो 120 दिन के लिए आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मरी दशा का स्वामी ग्रह जो मंगल है वो कुंडली में कैसी स्थिति में है। उसके पहले और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि मंगल के कारक तत्व को हमें जानना होगा। मंगल वीरता, शूरवीरता, साहस, पराक्रम, युद्ध, योद्धा, अस्त्र शस्त्र, रणनीति, अग्नि, खून, छोटा भाई, भूमि और वाहन का कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा हो, या फिर ये मंगल दसम भाव के अंदर बैठ के दिग्बली होता हो, या फिर यहाँ पे स्वग्रही उच्च का होकर कुल दीपक योग बनाता हो, रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा तो सुनिए, व्यक्ति को वाहन खरीदी के प्रबल योग बनेंगे। अगर व्यक्ति कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो तो ये समय सबसे अच्छा माना गया है। अगर व्यक्ति कोई साहसिक क्षेत्र के अंदर परीक्षा देना चाहता हो, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, नेवी, CRPF, BSF, ऐसे साहसिक क्षेत्र के अंदर अगर कोई परीक्षा देना चाहता हो तो उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई स्पोर्ट्स की कंपटीशन में जाए तो भी उसे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, विपरीत जाते हैं कि मान लो धान्या महादशा के अंदर ब्राह्मरी अंतरदशा चल रही है लेकिन मंगल कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, तो मंगल कुंडली के अंदर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में बैठा हो, तो मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्या फल मिलेगा, मंगल के वजह से ब्राह्मरी अंतरदशा के अंदर व्यक्ति के वाहन के अकस्मात के योग बनेंगे। व्यक्ति का वाहन एक्सीडेंट हो सकता है, उसको पांव में मार लग सकता है, उसके घर में, दुकान में, उसकी फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री में चोरी होने की संभावना रहती है, उसके छोटे भाई के साथ उसका मन मुटाव, टकराव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा, जिद, हट, कटुता बढ़ सकती है और व्यक्ति अपने गलत स्वभाव की वजह से, गुस्से के स्वभाव की वजह से अपना अच्छा खासा नुकसान कर लेता है। अभी हम लोग जानेंगे और डीप में जाएंगे कि धान्या महादशा के अंदर भद्री का अंतरदशा जब आती है तो कैसा फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भद्री का अंतरदशा का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है, बुध है। और भद्री का जो अंतरदशा आती है कितने दिन के लिए आती है, 150 दिन के लिए आती है। अभी हमें प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें बुध के कारक तत्वों को जानना होगा। बुध किसका कारक है, बुद्धि, विद्या, वाणी, कला, व्यापार, ये सभी का कारक है बुध। तो जब भी धान्या महादशा के अंदर भद्री का अंतरदशा आएगी तो हमें सबसे पहले बुध की स्थिति को जानना होगा। अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर कुंडली के अंदर केंद्र भाव में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा हो, या फिर ये बुध लग्न भाव में दिग्बली होता हो,
ये बुद्ध स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र के अंदर भद्री योग नामक राजयोग निर्माण करता हो तो धान्या महादशा के अंदर भद्री का अंतरदशा का फल बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। क्या मिलता है तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को नौकरी ना हो तो नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई कला सीखने की इच्छा हो तो ये समय को सर्वोत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कला का कारक है। ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे मित्र के साथ मित्रता हो जाती है या फिर उसके जीवन में कोई अच्छा सलाहकार आता है, कोई विद्वान, ज्ञानी, अच्छा ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, गुरु, सद्गुरु या कोई प्रखर व्यक्ति के साथ उसकी मित्रता होती है या उसका मार्गदर्शन मिलने से उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है। अगर ये समय के दरमियान व्यक्ति कोई व्यापार करना चाहता हो तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और व्यापार के अंदर जाने से उसे निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा कोई भी अच्छा काम करे तो उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, उल्का के बारे में जानेंगे कि धान्या महादशा के अंदर जब उल्का की अंतरदशा आएगी तो कैसा फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उल्का का स्वामी ग्रह कौन है, शनि है। और उल्का की अंतरदशा कितने दिन के लिए आएगी तो 180 दिन के लिए आएगी। अभी हमें प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा शनि के कारक तत्व के बारे में। तो शनि मेहनत, दुख, कष्ट, तकलीफें, याधि, व्याधि, उपाधि, रोग, बीमारी, चिंता, शनि कर्म का कारक है, कर्म फल दाता है। शनि नीति नियमों का कारक है। तो जब भी धान्या महादशा के अंदर उल्का अंतरदशा आएगी तो हमें शनि को देखकर प्रेडिक्शन करना होता है। अगर कुंडली के अंदर शनि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो या फिर शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होता हो या फिर शनि स्वगृही उच्च का होकर केंद्र में शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो निश्चित तौर पे उल्का की दशा अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, कुंडली का कारक ग्रह होकर बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल प्राप्त होगा। क्या होगा तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को कर्म का उचित फल प्राप्त होता है। अगर नौकरी करता हो तो नौकरी के अंदर उसकी पद की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति अगर खेती करता हो तो खेती के अंदर बहुत अच्छी फसल का लाभ होता है। अगर खनिज पदार्थ से लगता कोई काम करे, ट्रांसपोर्टेशन से लगता कोई काम करे तो उसे निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति कोई जूना घर यानी कि सेकेंड हैंड घर खरीदना चाहता हो तो उसे लाभ हो सकता है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे तो भी उसको लाभ होता है। और शनि अगर जो कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो तो वो व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करना चाहता हो, नई नौकरी में जाना चाहता हो तो भी उसे निश्चित लाभ होता है। अभी हम जाएंगे और एक स्टेप आगे जाएंगे कि मान लो कुंडली के अंदर अगर शनि अशुभ स्थिति में हो तो कैसा फल मिलेगा। जैसे कि मान लो धान्या महादशा के अंदर उल्का की अंतरदशा चल रही है लेकिन शनि की स्थिति शुभ नहीं है। शनि कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, शनि पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शनि कुंडली के अंदर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में पीड़ित होता हो तो फिर उल्का अंतरदशा का फल बिल्कुल अच्छा प्राप्त न होगा। क्या अच्छा फल प्राप्त न होगा तो सुनिए, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं, व्यक्ति को मानसिक उद्वेग, हताशा, निराशा, चिंताएं घेर लेती है, व्यक्ति को शारीरिक बीमारी होने की संभावना रहती है जैसे कि जॉन्डिस, टाइफोइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती है। इस समय के दरमियान अगर व्यक्ति किसी को उधार पैसे देता है तो वो जल्दी वापस नहीं आते और उसके वजह से रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। ये समय के दरमियान अगर व्यक्ति कोई नया व्यापार करता है तो उसे निश्चित नुकसानी के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति कर्जदार भी हो जाता है। ये समय के दरमियान अगर व्यक्ति
नौकरी छोड़ के व्यापार में जाता है तो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। और ये समय के दरमियान कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई मानसिक टेंशन आ सकता है, मान हानि या बदनामी के योग बनते हैं। तो जब भी हम प्रेडिक्शन करें तो उस दशा का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति को टटोलना बहुत आवश्यक होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली के अंदर धान्या महादशा के अंदर, उसके धान्या महादशा के अंदर सिद्धा अंतरदशा का फल कैसा प्राप्त होगा वो हम जानेंगे। तो सुनिए, जो सिद्धांत दशा है उसका स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। सिद्धांत दशा 210 दिन के लिए आती है। अभी हम प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले शुक्र के बारे में जानेंगे कि शुक्र के कारक तत्व क्या क्या होते हैं। तो शुक्र प्रेम, प्रेमी का, पत्नी का कारक है। शुक्र घूमना फिरना, मौज शौक करना, देश विदेश की यात्रा करना, ये सबका कारक है। अगर धान्या महादशा के अंदर जब भी सिद्धा अंतरदशा आती है तो हमें शुक्र की स्थिति को टटोलना होता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठा हो, या फिर शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, या फिर शुक्र स्वग्रही उच्चिका होकर केंद्र में बैठकर हंस योग अपना मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो निश्चित सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो सुनिए, अगर व्यक्ति कुंवारा हो तो उसकी सगाई हो जाती है, कुंवारा हो तो उसकी शादी हो जाती है, या फिर उसका किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, उसके घर के अंदर कन्या रत्न का जन्म हो सकता है। इस समय के दरमियान विजातीय व्यक्ति के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है। ये समय के दरमियान व्यक्ति को सुख संतोष और आनंद का अनुभव होता है। ये समय के दरमियान व्यक्ति को गूढ़ शास्त्र सीखने का भी मन करता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्र सीखने को भी मन करता है। अभी हम उसके ठीक अपोजिट जाएंगे कि धान्या महादशा के अंदर सिद्धांत दशा आ गई लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी ना हुई तो शुक्र नीच का हो, पाप ग्रह से दृष्ट, पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो शुक्र कुंडली के अंदर छठवें आठवें बारहवें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त ना होगा। आर्थिक नुकसानी के योग बनेंगे, उसके जीवन के अंदर मानसिक चिंताएं बढ़ेगी, व्यक्ति को बुरी आदतें आसानी से लग सकती है, जैसे कि व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट तमाकू दारू गुटखा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाएगी। इस समय के दरमियान व्यक्ति अगर बिना सोचे समझे किसी विजातीय व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाता है तो उसकी मान हानि बदनामी के योग बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी निर्माण हो जाते हैं और उसके वजह से वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश भी होने लगता है। तो शुक्र अगर कुंडली के अंदर पीड़ित है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति को धन हानि के योग बनेंगे, स्त्री के वजह से मान हानि के योग बनेंगे, व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गुप्त रोग हो सकता है, तो ये सब देखना आवश्यक होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि धान्या महादशा के अंदर जब संकटांतर दशा आएगी तो क्या फल मिलेगा। तो राहु केतु की स्थिति को देखना होगा। अगर संकटा जो अंतरदशा है उसका स्वामी राहु केतु शुभ स्थिति में होगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर राहु केतु अशुभ होगा तो शुभ फल प्राप्त होगा। और संकटांतर दशा कितने दिन के लिए आती है? 240 दिन के लिए आती है। तो अगर राहु केतु उच्च के होंगे और राहु केतु जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के स्वामी शुभ स्थिति में होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। व्यक्ति को विदेश जाने के योग बनेंगे, व्यक्ति की सगाई न हो तो सगाई हो जाएगी, शादी न हो तो शादी हो जाएगी, तो ये सब होता है। उसी तरह जब धान्या महादशा के अंदर मंगलांतर दशा आएगी तो चंद्र की स्थिति को देखो, चंद्र शुभ स्थिति में होगा तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र और गुरु एक दूसरे के परम मित्र है। तो धान्या महादशा के अंदर जब मंगलांतर दशा आएगी और अगर चंद्र शुभ स्थिति में होगा तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा, व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। वैसे ही हम पिंगला के बारे में भी देखेंगे कि अगर पिंगला अंतरदशा आती है तो 60 दिन के लिए आती है तो सूर्य की स्थिति को टटोलना जरूरी है। अगर सूर्य कुंडली में बलवान होगा तो निश्चित अच्छा फल मिलेगा, सूर्य अगर कुंडली में नीचका होगा तो बिल्कुल अच्छा फल न मिलेगा। तो प्रेडिक्शन करते समय आपको जो भी दशा हो उस दशा का स्वामी ग्रह कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, नवमांश में उसकी स्थिति क्या है, ये सब देखना होता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। नमस्कार।